हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका डॉक्टर सतीश और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे ग्रैंड ड्यूक ऑफ टस्कनी के बारे में। फ्रेंड्स, इसे जास्मिन अरेबिया की बोलते हैं। ये बहुत ही बड़ा साइज़ होता है, ये जो आप देख रहे हो ये इसका बर्ड है और ये बहुत बड़ा साइज़ होता है। बाहरी क्रीमी वाइटिश येलो कलर आएगा और ये कम्प्लीटली जब खुलेगा तब अंदर से लाइट ग्रीन कलर का मिक्सिंग होगा। क्रीमिश येलो एंड लाइट ग्रीन बोथ मिक्स, दिखने में काफ़ी सुंदर लगता है। आजकल ये काफ़ी चल रहा है, काफ़ी धीमी खुशबू होता है, रात को स्पेशली शाम से लेकर पूरी रात को अच्छा खुशबू देता है। और ये आप देख सकते हो, मैंने एक बैम्बू बास्केट में इसे उगाया हुआ है, थोड़ा वर्टिकली लिया हुआ है क्योंकि इसमें जो गहराई है रूट्स के लिए ज़्यादा मिले, इसको न्यूट्रिशन मिले। और इसमें मैंने लाल मिट्टी और थोड़ा बहुत मेरे एक दोस्त ने ग्रैन्यूल्स भी दिया हुआ है पोटेशियम का। पहली बार मैं केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहा हूँ, देखना चाहता हूँ रिजल्ट कैसे होगा। और इसमें मैंने थोड़ा वर्मी कंपोस्ट और पत्तों वाला खाद भी मैंने यूज़ किया हुआ है। जो ड्राई पत्ते होते हैं उसको रख कर पत्तों वाला खाद यूज़ करते हैं। पत्तों वाला खाद पौधों के लिए काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि नेचर में ज़्यादा पत्तों से ही अपने आप नेचर खाद बनाता है, तो इसीलिए पत्तों का खाद आप भी यूज़ किए। बहुत ही कम जगह में मिलता है, हर जगह नहीं मिलता। अगर आपके पास बहुत बड़ा गार्डन है या फिर स्प्रिंग सीज़न या विंटर्स के एंड में जब ज़्यादा पत्ते मिलते हैं तो उस समय आप इकट्ठा कर कर टाइम लगता है, नियरली 8 से 9 महीने होते हैं, उस तरह पत्तों का खाद बना सकते हो। नहीं तो आप कहीं से भी हो, नज़दीक के नर्सरी से आप पता करो, ऑनलाइन में भी पता करो, आपको मिल जाएगा। और इस बास्केट में मैंने काफ़ी वैरायटीज़ के उगाया हुआ है, जैसे कि इसमें मैंने लाल रंग के आप देख सकते हो, ये भी उगा सकते हो, इसे आप कनकाम्बरम बोलते हैं और इंग्लिश में क्रोसेंड्रा बोलते हैं। लाल बहुत ही रेयर वैरायटी है, ये पुणे से मिल जाता है और आंध्रा में राजमंड्री में बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ के पौधे मिल जाएंगे आपको। और यहाँ पर लक्ष्मी कनकाम्बरम है, ये दोनों, ये जो लाल पुणे वाला कनकाम्बरम और लक्ष्मी कनकाम्बरम, ये दोनों आपको इंडोर में भी उगा सकते हो। जैसे आप देख रहे हो ये मेरे विंडोज़ के नज़दीक बहुत ही छन कर हल्का सा धूप आता है सवेरे 1-2 घंटे का, तो उस समय ये धूप इनफ है। ये बहुत ही ज़्यादा शेड पसंद करते हैं। क्रोसेंड्रा में कुछ वेराइटी को ज़्यादा धूप चाहिए, जैसे कि आपने ऑरेंज कलर का इससे पहले देखा होगा, येल्लो कलर का देखा होगा मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में, उस सबको धूप ज़्यादा चाहिए। लेकिन ये पुणे रेड कलर का, और इसमें आपको फ्लावर्स मिलेंगे येल्लोइश कलर में होगा ये वाले फ्लावर्स, इसे लक्ष्मी कनकाम्बरम बोलते हैं। ये फ्लावर्स को आपको उतना ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है, हल्का धूप भी हो छाव ज़्यादा आते हो तो आप कर सकते हो, नहीं सप्ते में 1-2 बार भी आप बाहर रख सकते हो, उस तरह आप मिक्स भी आप उगा सकते हो। तो इसमें मैं 3-4 वेराइटीज़ मिक्स उगा रहा हूँ और सभी को इक्वल। जैसे ही जनरली कनकाम्बरम को थोड़ा बहुत एसिडिक सॉइल चाहिए और हमारे इस जास्मिन को थोड़ा बहुत न्यूट्रल सॉइल, ज़्यादा एसिडिक भी ना हो, ज़्यादा अल्कलाइन भी ना हो, तो इम्बैलेंस भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पौधा उसको ले लेगा। और जास्मिन में बहुत सारे वेराइटीज़ होते हैं, जैसे कि सुप्रीम जास्मिन होते हैं, विंटर्स के येल्लो कलर के जास्मिन होते हैं और रात रानी, इससे पहले आपने वीडियोस देखा होगा, जूही, पारिजाता, ये बहुत ज़्यादा खुशबू देते हैं, गंधराज, समर्स में गंधराज भी बहुत ही अच्छा होता है। फ्रेंड, जास्मिन ज़्यादा ये कोस्टल इलाके में बहुत ही अच्छे से हो जाता है क्योंकि कोस्टल इलाके में क्या है कि जो सूरज की रोशनी होती है बहुत ही तेज़ होता है और रात को चांदनी का ठंड बहुत अच्छा होता है और समुद्र नज़दीक होने की वजह से ह्यूमिडिटी होती है, तो ये सारे नेचुरल कंडीशन पौधे को मिल रहा है तब जाकर जास्मिन बहुत ही अच्छे से उग जाता है। नहीं, आप कहीं नॉर्थ इंडिया में रह रहे हो या कोई हिली प्लेस में रह रहे हो और वहाँ पर भी आपको जास्मिन अच्छे से ग्रो करना चाहते हो तो एक बात का ध्यान रखो, एक है वेल ड्रेन पॉट होना चाहिए। आप कोई भी पॉट ले रहे हो उसको 1-2 छेद होंगे तो पानी बाहर आ जाएगा, उस तरह वेल ड्रेन पॉट रखो। और दूसरी बात है कि मिट्टी में थोड़ा बहुत सैंड और स्टोन्स मिक्स रखो, पानी डाल रहे हो तो तुरंत ही बाहर आ जाएगा। और
ह्यूमिडिटी के लिए मैंने इससे पहले भी एक दो प्लांट्स के लिए बताया था कि आप एक नीचे पॉट रख सकते हो, उस पॉट में स्टोन्स और पानी डाल दिया और इसके नीचे आप जो पॉट यूज़ कर रहे हो उसके नीचे या बास्केट के नीचे रख रहे हो तो सराउंडिंग गर्मी उसे एवोपरेट कर और सराउंडिंग प्लांट को ह्यूमिडिटी मेंटेन रखेगा। तो उस तरह आप नॉर्थ इंडिया में भी जास्मिन को बहुत ही अच्छा ग्रो करना चाहते हो, फूल बड़े बड़े चाहते हो तो इस तरह ग्रो कर सकते हो। जास्मिन ज़्यादा विंटर्स में कम फूल देता है, ज़्यादा उसमें डॉर्मेंट पीरियड में चल जाता है। ओनली येल्लो वेराइटी जो येल्लो जास्मिन है वही फूल देता है, कुछ भी सेम रहता है लेकिन वही वेराइटी फूल देता है। बाकी जितने भी जास्मिन के वेराइटीज़ है वो सारे स्प्रिंग सीजन, समर और बारिश के मौसम में अच्छे से फूल देंगे। तो ये बहुत ही टॉल वेराइटी नहीं है, बहुत ही छोटा वेराइटी है। अगर आपको अच्छा सा शेप चाहिए तो इस तरह के जो अनवांटेड स्टेम्स है उसे आप कट कर सकते हो। और यहाँ पर आप देख रहे हो एक बेबी स्टेम्स और छोटे से बर्ड आया हुआ है, उस तरह दो तीन बर्ड्स इसमें हैं आप देख सकते हो। तो आप ज़्यादा बर्ड्स चाहते हो तो बार बार प्रूनिंग करते रहो, हाइट छोटा रहेगा, बुशी रहेगा। और कुछ वेराइटीज़ लताएं देते हैं, ये जो वेराइटीज़ है जो ग्रैंड ड्यूक ऑफ टस्किन है ये ज़्यादा लता नहीं देते, पत्ते भी इसके थोड़ा अलग होंगे। आप इस तरह के छोटे छोटे चीज़ें ध्यान देना पड़ेगा और फ्लावर का साइज़ भी इसका बहुत बड़ा होता है। तो बहुत सारे वेराइटीज़ है, ये वेराइटी बड़ा भी है और खुशबू भी ज़्यादा है और साथ में आप तो एक दो और वेराइटीज इसके साथ ग्रो कर रहे हो तो अच्छा ग्रो करेगा, हमेशा फूल देता ही रहेगा। क्योंकि जास्मिन के फूल काफ़ी टाइम लेता है फूल देने में और कुछ वेराइटीज़ होते हैं जो तीन इकट्ठे होते हैं और ये जो वेराइटी है ये एक एक फूल ही देता है या दो फूल देता है। जहाँ पर ये देख रहे हो आप इसमें एक ही बर्ड आया हुआ है, यहाँ पर भी देखो आप एक ही बर्ड आया। इस तरह कुछ वेराइटीज़ के तीन बर्ड आते हैं, कुछ वेराइटीज़ के एक बर्ड आते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ डिफरेंट डिफरेंट देते हैं। और ये नेटिव अरेबिया और एशिया का है और आजकल ये साउथ इंडिया में काफ़ी चल रहा है क्योंकि इसका साइज और जो कलर है बहुत ही अच्छा है। तो मैं आप रिकमेंड करूँगा, आप ऑनलाइन में या फिर गूगल में आप सर्च करो राजमंड्री में कहाँ पर आपको मिलेगा अच्छा सा ये वाला फूल जिसे ग्रैंड ड्यूक ऑफ टस्किन बोलते हैं। अगर आप अपने गार्डन में लेकर आ रहे हो तो आपको कुछ नया मिलेगा और ये छाव में काफ़ी अच्छे से हो जाता है, थोड़ा हल्का एक दो घंटे भी धूप मिले तो इनफ है। तो फ्रेंड्स ये है आज का डेडिकेटेड वीडियो ग्रैंड ड्यूक ऑफ टस्किन के बारे में। तो कल इसके साथ इलेक्शन से हमारे भारत में 11 तारीख से इलेक्शन स्टार्ट हो जा रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सभी न्यू वोटर्स या ओल्ड वोटर, पुराने कोई भी हो, जॉब होल्डर, किसान कोई भी हो, आप अपना MLA, MP, स्टेट के मुख्यमंत्री या देश के प्रधानमंत्री के लिए जो कैंडिडेट चुने जाते हैं चुनिए। आप घर से बाहर निकलिए, वोट डालिए, जिसको पसंद है उसे डालिए और अपना देश का डेमोक्रेसी जो है उसे बरकरार रखिए। थैंक यू फ्रेंड।